नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं नाइस फाउंडेशन के शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जोधपुर में मैं इस कार्यक्रम के अंदर अपनी सेवाएं देता हूँ। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम बेसिकली ये शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, नाइस नांदी फाउंडेशन, UIT और नगर निगम बीकानेर के सहयोग से बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है। बेसिकली ये जो कार्यक्रम है, ये जो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका सबसे अहम उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय में, मदरसाओं में और अनुदानित विद्यालय, जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कार्य करना। इसके लिए शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम बीकानेर में कार्यरत है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कार्यक्रम के प्रथम चरण में सारे बच्चों को चिन्हित किया जाता है। जैसे अगर हम बीकानेर की बात करते हैं, तो बीकानेर में 224 स्कूलों के 38,000 बच्चे हैं। इन बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे पहले इन बच्चों को एक तय पर निर्धारित करना होता है कि इन बच्चों का हमें एक कार्ड बना के दें, क्योंकि इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड है। कार्ड के आधार पर ही बच्चों को आगे सम्मिलित किया जाता है। ये इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस कार्ड के प्रोसेस को अगर हम देखें, तो ये एक स्क्रीनिंग है। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का सबसे पहला आधार होता है कि बच्चों को कार्ड देना, बच्चों को चिन्हित करना। तो 38,000 बच्चे जो बीकानेर शहर के हैं, इन बच्चों के लिए हम सबसे पहले स्क्रीनिंग कैंप करते हैं। जैसे बीकानेर में हमने 1 अगस्त से इस कैंप को शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से लगा करके 29 अगस्त तक ये शहर में कैंप हमने आयोजित किए हैं। तकरीबन 18 कैंप साइट हमने बनाए हैं, जिसमें हम इन 38,000 बच्चों को शामिल किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर हम देखते हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए हम इस प्रथम चरण में सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक स्टूडेंट स्लिप होती है, अगर आप हमने विद्यालयों में स्टूडेंट स्लिप दिया था, ये स्टूडेंट स्लिप जो है, ये स्टूडेंट स्लिप हर एक बच्चे को देना जरूरी होता है, ताकि इसमें मूलभूत जानकारी को हम एकत्रित कर सकें, जो कि हमें फोटो खींच करके बच्चे को उसके कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी है, उसको हम एकत्रित किया जा सके। इसके लिए जब हम उस बच्चे को स्लिप देते हैं, तो स्लिप देने के पश्चात हमारा महत्वपूर्ण काम होता है कि वो स्कूल में समय पर पहुंचे। इसके लिए हमारी टीम पूरी काम करती है। सारे इसमें प्रोग्राम एसोसिएट्स हैं। अभी बीकानेर टीम के अंदर जैसे 4 प्रोग्राम एसोसिएट हैं, जो जाते हैं अपने जगह पर, स्थान पर, और इस तरह के काम को करने के लिए वो स्कूलों में जाते हैं। तो स्कूलों में जाने के पश्चात वहाँ पर हम उनको स्टूडेंट स्लिप देते हैं। स्टूडेंट स्लिप देने के पश्चात हम एश्योर कर लेते हैं कि बच्चे का सारा स्लिप पूरा भरा हो, जैसे उसका नाम, जाति, धर्म, पिताजी का नाम, बच्चे का पहचान क्रमांक। स्पेशली ये ध्यान रखना होता है कि मुंह पर हो, क्योंकि जब हम कार्ड बनाते हैं, कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो चेहरे को इंगित करता है। चेहरा उसमें इंपॉर्टेंट इकाई है। तो इसके लिए हम पहचान चिन्ह को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और स्कूलों को तकरीबन कैंप होने से 15-20 दिन पहले दे दिया जाता है। इसके लिए हमने एक संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया था। 22 तारीख को हमने एक कैंप का आयोजन किया था। उस कैंप में हमने सारे अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को बुलाया था। उसमें जिला कलेक्टर महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे कि इस कार्यक्रम क्या है, और इस दौरान वहाँ पर हमने सारे अध्यापकों को ये भी बताया था कि आपको किस तरह से कार्ड की प्रविष्टि करनी, कार्ड को भरना है। तो इस तरह से बैठ करके हमने पूरी एक रणनीति उनके सामने रखी थी। तो कार्यक्रम के प्रथम चरण में अगर हम देखें, प्रथम चरण में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि शहर में 38,000 बच्चे हैं, उनको हम एक कार्ड बनाकर दे सकें। उस कार्ड की प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने स्क्रीनिंग कैंप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 18 जगह पर हमने कैंप किए थे। कैंप का जो, अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा कैंप का जो उद्देश्य है, वो है कि हम बच्चों को जो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करें, एक बड़ी जगह पर हम इकट्ठा करें, और उसे इकट्ठा करने के बाद उन बच्चों को एक जगह पर ला करके उन्हें एक व्यवस्थित रूप से एक जगह पर इकट्ठा करके कैंप किया जाए। कैंप अमूमन प्रातः 8:30 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, 8:30 बजे से लगा करके शाम को 4 बजे तक ये कैंप यथावत चलता है, जिसमें नॉन ब्रेकेबल बच्चे, मतलब कंटिन्यूड बच्चे सारे आते रहते हैं। इस कैंप में हम वो स्टूडेंट स्लिप जो हमने, जैसा मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पहले हम जो स्टूडेंट स्लिप होता है उनको देते हैं, वो स्टूडेंट स्लिप लेकर के बच्चा क्लास वाइज अपने विद्यालय के सहित आता है। अब ये जो हमारा कैंप होता है, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो आधार है, जिसमें बच्चे को कार्ड बना करके देने वाले हैं, ये जो कैंप होता है, इस कैंप को हम बोलते हैं शाला स्वास्थ्य परीक्षण
परीक्षण एवं जांच शिविर। ये जो शिविर है, इस शिविर में तकरीबन एक दिन में हम 2 से 2500 बच्चों को कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम विद्यालय में जाते हैं। इस कैंप के दौरान आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो शिविर है, इस शिविर में हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन मतलब हमारे पास में बच्चा आता है, उसका हम फोटोग्राफ लेते हैं। वो हमारा एक पहला स्थल होता है जहाँ पे बच्चे का एक फोटो लिया जाता है। फोटो करने के तत्पश्चात बच्चा जाता है मापन के अंदर, मेजरमेंट, जिसमें बच्चे का 3 तरह का मेजरमेंट होता है, हाइट, वेट और मिड आर्म। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर पीडियाट्रिशियन तय करता है कि इस बच्चे का क्या गणित है, इस बच्चे को किस तरह की डिजीज हो सकती है, इस बच्चे का क्या कैलकुलेशन है। इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये जो भी हमारा दूसरा पार्ट मेजरमेंट का पार्ट होता है, मेजरमेंट से निकलने के बाद में बच्चा जाता है बाल रोग विशेषज्ञ के पास में। हमारे पास में कम से कम 7 से 8 पीडियाट्रिशियन हैं जो नियमित रूप से हमारे साथ हैं। वो हमने सरकारी महकमों से लिए हैं, सेटरडे अस्पतालों से लिए हैं। तो ये सरकार की तरफ से एक सेवा है जो हमें सरकार ने दिए है डॉक्टर्स की, ये आपके कैंप में आते हैं। इनमें डॉक्टरों के आने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पर्टिकुलर एरिया में, लाइक जैसे हमने बीकानेर के राजमहल इलाके के आसपास में महारानी स्कूल के आसपास में अगर कहीं कैंप किया है तो हमें ये पता चलता है कि महारानी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को आमतौर पर किस तरह की बीमारियां ज़्यादा है, या उस एटमोसफेयर में आने वाले बच्चों को किस किस तरह के डिजीज से गुजरना पड़ता है। तो डॉक्टर स्क्रीन करके पता लगाते हैं। तो इसमें हमारे पास 7 से 8 पीडियाट्रिशियन होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों की जाँच करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं। बच्चा वहाँ से स्क्रीन करने के बाद में एक अलग कक्ष में जाता है जहाँ पे दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में काफ़ी दंत रोग विशेषज्ञों ने हमें सेवाएं दी है। आपके सेटरडे अस्पताल के दंत रोग विशेषज्ञ भी आए थे, और स्पेशली हमने यहाँ पे गंगानगर के एक प्राइवेट कॉलेज से टाई अप किया, वहाँ से हमारे पास में 3 डेंटिस्ट आए हैं जो अपनी सेवाएं इस कैंप के दौरान हमें दे रहे हैं। ये भी लोग पता करते हैं कि बच्चों के अंदर फ्लोरेसिस, जैसे हम बीकानेर की बात करें तो काफ़ी अभी एक आंकड़ा निकल के आया है कि बीकानेर में पानी की वजह से पानी में फ्लोरेसिस ज़्यादा है, उसकी वजह से बच्चों के दांत पीले हो रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम अगर सर्वांगीण उपचार और बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि न केवल दवाई देना बच्चे को, बल्कि बच्चे को उपचार से पहले की जो सारी जानकारी है वो पहुंचाना। तो बच्चे का जो उपचार होता है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो उसको जानकारी वहाँ दी जाती है। उसके साथ में डेंटल में जब बच्चे की जांच हो जाती है उसके पश्चात बच्चे को हम भेजते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे पास में जो होते हैं ये बच्चे को बेसिकली पूरा उसकी आँख की जाँच करते हैं, उस बच्चे का विजन टेस्ट करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सकता है कि कितने बच्चों में विजन की प्रॉब्लम आ रही है। आमतौर पर स्कूलों में बच्चों को ब्लैक बोर्ड में देखने में समस्या आती है, उनको पढ़ने में दिक्कतें आती है। तो कुल मिलाकर के ये स्क्रीनिंग हमारे लिए ये जो जांच शिविर है, ये शिविर पूरी तरह से फोटो से लगा करके नेत्र रोग विशेषज्ञ तक के यहाँ पे सारे चिकित्सक आते हैं। तकरीबन हम देखें तो 8 हमारे पास डेंटिस्ट होते हैं, 8 हमारे पास पीडियाट्रिशियन होते हैं, 4 हमारे पास डेंटिस्ट होते हैं, और 2 से 3 हमारे पास में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चे की जाँच करते हैं। तो ये पूरा महकमा हमारे साथ में चलता है। हम सब तकरीबन 8:30 बजे से कैंप शुरू करके शाम को 4:30 बजे कैंप चलाते हैं। इस दौरान हम तकरीबन 2 से 2500 बच्चों को पूरी जाँच शिविर में शामिल करते हैं, कवर करते हैं। उसके पश्चात हम अगले दिवस में अगले स्कूलों में जाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये शिविर है ये हमें पूरी तरह से एक एरिया की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देता है, साथ में हमें बच्चों का एक पूरा डेटा हमें एक जगह पे इकट्ठा होकर के मिल जाता है, जिससे हम व्यवस्थित रूप से बच्चों के जाँच डेटा को एकत्रित करके उसके कार्ड से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं उसको एकत्रित कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये शिविर है जो प्राय चलता है। ये शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का, नाइस फाउंडेशन का शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का पहला चरण है। इसके पश्चात जो दूसरा चरण होता है जो हम जिसके बारे में अगर हम बताएं आपको, जिसके बारे में हम चर्चा करें, तो दूसरा जो चरण है ये चरण स्कूलों में दूसरा चरण है, इसको हम बोलते हैं स्कूलों के अंदर ओपी स्टैब्लिश करना। ओपी मतलब आउट पेशेंट क्लिनिक सेंटर, क्योंकि हम जहाँ पे कैंप साइट किए हैं तो हमने ये महसूस किया था कि हम स्कूलों के अंदर काम करेंगे, स्कूलों के समय पर काम करेंगे। तो इसके लिए हमारी टीम होती है, जैसे कि हम बीकानेर की पूरी बात करते हैं तो बीकानेर में हम 18 कैंप साइट अभी तय करेंगे। अभी हम बैठ करके हमारे कैंप खत्म हो जाएंगे 29 तारीख को। उसके पश्चात हमारा मेजर काम होता है कि हम इन सारे बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था रखें जहाँ पे डॉक्टर स्कूल के समय में स्कूल में जाए और इन बच्चों को जांच करें, उनको वहीं पे दवाई को उपलब्ध कराए। इसके लिए हम अभी शहर के बीकानेर शहर के 18 जगहों को हम
सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास में सूचीबद्ध हो गए हैं स्कूल। हम इन स्कूलों में हम नियमित रूप से इन स्कूलों में अपने डॉक्टर्स को भेजते हैं। इनमें डॉक्टर वहाँ जाएगा और इन वहाँ पे जाने वाले बच्चों को वहीं पे जांच करेगा। उस समय पर ये जो पहले चरण में हमने कार्ड बनाए थे, बच्चा ये कार्ड लेकर के आपके विद्यालय में उस विद्यालय में होगा और जहाँ पे डॉक्टर बैठता है वहाँ पे जाकर के बच्चा कार्ड लेकर के अपने को दिखाएगा, उसको जो भी तकलीफ है उसकी दवाई लेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य कि स्कूलों में ड्रॉप आउट नहीं हो, उसके लिए इस कार्यक्रम से का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि बच्चा बीमार है तब भी स्कूल आएगा। इस कार्यक्रम का अगर हम देखा जाए तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट इस कार्यक्रम की सोच है वो ये है कि बच्चा बीमार है तब भी स्कूल आएगा, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने पर भी उसके माता पिता जो उसके पेरेंट्स हैं वो निश्चिंत रहें, वो परेशान न हो और बच्चे को बीमारी की स्थिति में वो अपने बच्चे से परेशान न होकर उसे स्कूल भेजें, क्योंकि विद्यालय में बच्चे के लिए नियमित रूप से जो इस विद्यालय समय पर डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, जहाँ से बच्चा डॉक्टर को दिखा के दवाई ले सकता है। इस कार्यक्रम के बाद में इस कार्यक्रम का जो तीसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि हम कह सकते हैं मान सकते हैं कि बच्चे को इमरजेंसी की सेवाओं की भी बहुत आवश्यकता रहती है। जैसा कि हम आपको बताया था कि पहला हमारा चरण जिसमें हम बच्चे का फोटो बनाते हैं, स्क्रीन करते हैं, दूसरा चरण है कि हम विद्यालयों में जहाँ पे हमने कैंप लगाए थे उस साइट को हम फाइनल करेंगे और वहाँ पे डॉक्टर को बिठाएंगे, जिसको हम ओपी बोलते हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर घंटे घंटे भर के लिए बैठेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। इन डॉक्टरों को बैठने के लिए विद्यालय हमें कमरा उपलब्ध कराता है, उस कमरे में हम डॉक्टर को बिठाते हैं जहाँ पे हमारे सारे साजो सामान होते हैं, डॉक्टर के लिए से आवश्यक जितनी भी सामग्री होती है वहाँ होती है, और डॉक्टर को लाने ले जाने के लिए संस्था की तरफ से एक वैन की व्यवस्था होती है। वो वैन डॉक्टर को अपने गंतव्य स्थल पर ले जाती है। एक दिन में एक डॉक्टर कम से कम 4 से 3 ओपी कवर करता है, तकरीबन 7:30 से शुरू होकर के ओपी दोपहर में 1:30 तक चलते हैं। इस दौरान वो कम से कम 4 ओपी सेंटर्स पर जाएगा, जिसमें हम देखा जाए तो एक ओपी सेंटर पर कम से कम 20 स्कूल को हम कवर करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो एक डॉक्टर 4 ओपी सेंटर्स पर जाएगा तो 20-20 स्कूलों के हिसाब से 80 स्कूलों को वो कवर करते हैं, 80 स्कूल एक्सेस होते हैं एक दिन में। तो ये व्यवस्था रहेगी हमारे लिए नियमित रूप से बच्चों को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। और तीसरा पार्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, आईपी इन पेशेंट केयर फैसिलिटीज़ है। ये फैसिलिटीज़ थोड़ी इस तरह की फैसिलिटीज़ है कि जो बच्चा ओपी में आया, लाइक बच्चे को सर्दी जुकाम के अलावा लगा कि मलेरिया हो गया, बच्चे को भर्ती होने की जरूरत है, डेंगू हो गया बच्चे को, उसको भर्ती होने की जरूरत है, ऐसी स्थिति में हम उस बच्चे के लिए एक अस्पताल का निर्माण किया है, नाइस फाउंडेशन शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम और नाइस नांदी फाउंडेशन, यूआईटी और नगर निगम के सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो पीबीएम हॉस्पिटल, आप देखेंगे बीकानेर के अंदर पीबीएम हॉस्पिटल है, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में शिशु चिकित्सालय है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है जो 18 बेडेड हॉस्पिटल है, इसके अंदर 12 बेडेड ऐसे हैं जो जनरल बेडेड है और बाकी के बेड हैं जो आईसीसीयू होंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसी व्यवस्था रखी कि ये राउंड द क्लॉक खुला रहता है, यानी 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। इस 24 घंटे के दौरान जो बच्चा वहाँ पे आईपी से ओपी से जहाँ पे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपी के अंदर बच्चा एडमिट रहता है, ओपी में बच्चा आता है डॉक्टर को दिखाता है, तो ओपी में बच्चा जो डॉक्टर को दिखाया है उसके बाद में वो बच्चा ओपी में दिखाने के तत्पश्चात वापस आईपी में उसको रेफर किया जाता है। तो बच्चा रेफर होकर हमारे पास आता है, तो वहाँ पर आने के बाद में बच्चे को जो भी सुविधाएं हैं तत्काल वहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। अगर बच्चे को वहाँ पे 1 लाख रुपए का भी खर्चा होता है तो हमारी संस्था सरकार के साथ में मिलकर जो कार्य कर रही है वो उसको उपलब्ध कराने का काम करती है। तो अगर हम देखा जाए मोटा मोटा तौर पर कि बच्चे को सर्वांगीण उपचार के लिए ये शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले सबसे पहले ये कार्यक्रम हैदराबाद में शुरू हुआ था, हैदराबाद से शुरू होकर के ये कार्यक्रम अब राजस्थान में प्रवेश कर गया। राजस्थान में पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम यथावत रूप से चल रहा है। अभी ये कार्यक्रम राजस्थान में उदयपुर में पिछले 3 सालों से नियमित रूप से चल रहा है, जहाँ पे कई बच्चों को